राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास 2024, माघ मास महात्म्य अध्याय 5, माघ मास की महिमा। मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य, धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन कभी भी नहीं करता है। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, तप, जप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और प्रलवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, प्रलवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य अध्याय 5। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगु वंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त होगी। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4,000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान बहवल होकर काम किरणा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है, इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यतन के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए।
राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आगे का अध्याय अगली वीडियो में अवश्य देखें। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।